जय श्री राम। आज हमारी कथा का 10वां दिन है, तो आइए शुरू करते हैं। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंदमग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बार धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं, बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा, चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त,
महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, यह तमाशा चलता रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया, शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अंडक होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ लोक चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले,
आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी, जय हो कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण, तीसरा विश्राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिग्न, कामरहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर डाला, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। अब शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों को सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। आज बस इतना ही पाठ। जय श्री राम। आइए थोड़ा भजन करते हैं।
सीता राम राम राम, 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 जय श्री राम।